सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो एडीयू को और बेल आइकन को दबाइए, रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोलर ट्रेन्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डेमो सिस्टम या सोलर ट्रेन्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिप और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेमो सिस्टम आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है और आने वाले टाइम में हमें इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस होती जा रही है, वैसे ही हमें सारी व्हीकल्स भी एडवांस से एडवांस होती मिल रही हैं। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि 2030 तक हम हमारे मुल्क में आने वाली मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स को ही यूज करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो बहुत से मोबाइल में कुछ ट्रेन्स इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ट्रेन्स में अभी भी डीजल को ही यूज किया जाता है। लेकिन फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल फ्यूल सिस्टम, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, उसकी बजाय हम इलेक्ट्रिक की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं, जहां पर हम उस पावर को जनरेट करें सोलर प्लांट से, न्यूक्लियर प्लांट से या फिर विंड एनर्जी से। अब दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि रेलवेज में बहुत ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होती है, क्योंकि रेलगाड़ी का इंजन काफी बड़ा होता है और उस इंजन को चलाने के लिए काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अब सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि लाइट्स के लिए, फैंस के लिए, इंफॉर्मेशन बोर्ड के लिए, यहाँ तक कि एयर कंडीशनिंग के लिए भी फ्यूल को ही काम में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इंडियन रेलवे ने एक ऐसा प्लान दिया है जिसका नाम है डेमो सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सिस्टम। अब यहाँ पर दोस्तों, डीजल से तो पहले ही ट्रेन चल रही है और इलेक्ट्रिक से भी चल रही है, लेकिन अब डेमो सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर ट्रेन के जो डब्बे हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही यूनिक आइडिया है। अब इसमें हर डब्बे के ऊपर 16 पैनल लगाए गए हैं और हर ट्रेन के 6 डब्बों में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब 96 सोलर प्लेट्स लगाने से ऐसा हरगिज नहीं है कि उस ट्रेन का इंजन उन सोलर प्लेट से मिलने वाली एनर्जी से चलेगा, क्योंकि इतने बड़े डीजल इंजन को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, इंजन के अलावा ट्रेन के डब्बों में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब जैसे लाइट्स हैं, फैंस वगैरह हैं, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड हैं, इवन ट्रेन में लगे हुए एसी वगैरह हैं, तो इन सब चीजों को चलाने के लिए जो डीजल खर्च हो रहा है उसको बचाकर वहां पर इन सारी सोलर प्लेट से मिलने वाले करंट को यूज किया गया है, और जिससे आगे आने वाले टाइम में पैसे की भी बचत होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम इस सिस्टम की कॉस्ट की बात करें तो अभी इस सिस्टम को एक ट्रेन में लगाने के लिए जो खर्चा होता है वो है तकरीबन 88 लाख पाकिस्तानी रुपए, जिसे अगर हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 54 लाख रुपए बनते हैं, और जिसमें फिर अगर हम एक डब्बे की कॉस्ट निकालें तो बनती है 14 लाख पाकिस्तानी और 9 लाख इंडियन रुपए। अब यहाँ पर जो हर डब्बे पर 16 पैनल लगाए जाते हैं, उनमें से हर एक पैनल का जो आउटपुट है वो है 300 वाट। लेकिन जाहिर है पैनल करंट है तो लोड पर कम भी होगा, या मौसम के अकॉर्डिंग धूप है, बादल है, बारिश हो रही है, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करेंगी। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ये काफी मिकदार में डीजल को बचाने में मदद करेगा। वैसे अगर हम एक ट्रेन के डीजल की कीमत देखें तो तकरीबन एक ट्रेन में 19 से 20 लाख रुपए का डीजल लगता है एक साल में। अब दोस्तों, अगर इस सिस्टम को और भी ज्यादा ट्रेन में लगाया जाए तो इससे पैसे की तो बचत होगी ही होगी, साथ में डीजल की भी बचत होगी और पहले से ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। अब दोस्तों, ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन भी स्पीड में चल रही होती है, तो ऐसा नहीं है कि बस ट्रेन के डब्बों पर सोलर पैनल लगा दिया और काम खत्म, बल्कि चलती ट्रेन पर पैनल को एक खास एंगल पर लगाना ताकि उन पर धूप अच्छे से पड़ सके, तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जो 72 घंटे बैकअप देने वाली बैटरियां लगाई गई हैं उनका भी तो काफी खर्चा है। लेकिन अब जैसे आने वाले टाइम में अगर मैं आपसे फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स की बात करूं, तो ऐसे समझ लें कि पूरी ट्रेन को ही अगर सोलर पैनल से रैप कर दिया जाए तो ये भी एक बहुत ही कमाल का आइडिया होगा। ट्रेन के शीशे, विंडो, छत सब पर फ्लेक्सिबल पैनल्स को ही यूज किया जाए तो ट्रेन में और भी ज्यादा सहूलियात दी जा सकती है और एक बहुत बड़ी मिकदार में हम डीजल की भी बचत कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे
कि आखिर सोलर ट्रेन्स कैसे चलती हैं और आगे आने वाले टाइम में हमें इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट नजर आ सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।